हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई रेसिपी के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारी हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ले लेना है एक कढ़ाई, उसमें ऐड करना है दो बड़े चम्मच तेल, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 4 से 5 लौंग, इलायची, काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट तक भून लेना है। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 स्लाइसेस में कटी हुई प्याज, और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटी करेंगे। फ्लेम को मीडियम फ्लेम ही रखें, हाई फ्लेम ना करें। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 बीज से फटी हुई मिर्चियाँ और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू और गोभी। तो मैं आपको बता दूं, आज की रेसिपी में मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ वेज पुलाव। तो वेज का नाम आता है, तो वेज का मतलब होता है आप यहां पे कितनी भी वेजिटेबल्स आपके पसंद के हिसाब से यहां पे ऐड कर सकते हो। तो यहां पे हम ऐड कर रहे हैं आलू, गोभी, गाजर, मटर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और टमाटर। यहाँ पे आप जितनी सारी वेजीज ऐड करोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। वेजिटेबल का मतलब यही होता है कि आप जितनी वेजिटेबल्स चाहो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी वेजिटेबल्स को ऐड किया। अब हम इसे पका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आलू ऐड किया है इसीलिए हम इसे पका लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बिरयानी मसाला। तो ये छोटी पैकेट थी तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 पैकेट बिरयानी गरम मसाला। और इसी तरह से हमें अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेना है इसे। जब आप मसाला ऐड करते हो तो फ्लेम को लो ही रखें, जिससे कि मसाला जलने ना पाए और सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पका लें। जब आप मसाला ऐड करते हो तो फ्लेम को लो करके सारी सब्जियों को अच्छे से भून लें, क्योंकि ये जितना भुनेगा मसाले का टेस्ट और सब्जियों का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं बासमती राइस। आप जब ये वाला पुलाव या बिरयानी आप बोल सकते हो जब बना रहे हो, तो राइस को भिगा करके रख दें। जब तक कि आप ये सारी सब्जियाँ फ्राई करोगे तब तक आप ये राइस को एक साइड में फूलने के लिए रख दें। और जब हम इसका पुलाव बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बन के रेडी हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं भीगे हुए बासमती राइस, और फिर इसे लो फ्लेम करके सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे हम नमक स्वादानुसार। पूरे चावल में अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ध्यान रहे आपने मसाले ऐड किए हैं तो यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखें। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1 ग्लास पानी। हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा ग्लास पानी। आप जितना क्वांटिटी में राइस बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग ऐड करें, बट ध्यान रहे जब आप ये वाले खिले खिले से राइस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे पानी का कम यूज़ करें। और अब इसे उबाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उबलने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर से थोड़ा सा देसी घी। अच्छे से पूरे में मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं उबलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं कढ़ाई में ये पुलाव, तो इसे हमें पकाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा। तो इसे हम ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन करके रेडी है। अब आप यहाँ पे इसे मिक्स करके भी देख सकते हैं कि कितना खिला खिला सा ये जो पुलाव है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने ही अच्छे से एकदम खिले खिले से ये पुलाव बनकर रेडी है। और बस इसे हम गार्निश कर लेते हैं बारीक कटी हुई हरी धनियों के साथ। धनियों को और पुदीना भी आप चाहें तो यहाँ पे कट करके ऐड कर सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बहुत सारी हरी धनिया, और फिर इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म।
दही कचुम्बर के साथ आप इसे एंजॉय करिए। और अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।